सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और आज जो भी बच्चे बैंक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, बिकॉज 17th में क्लर्क का वैकेंसीज नहीं आए थे SBI क्लर्क के। जो बच्चे भी बैंक की तैयारी कर रहे हैं उन्हें पता ये बात, लेकिन आज के दिन ऑफिशियली नोटिफिकेशन आया है कि क्लर्क का वैकेंसीज आ चुका है SBI क्लर्क का। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे फॉर्म भरना, स्टार्टिंग डेट क्या है, कितने फीस है, कितने फेज में एग्जाम होंगे, क्या क्या है, मैं सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगा। सो इस वीडियो को हर बच्चे शेयर करिए आप लोग, ठीक है, जितने बच्चे भी बैंक की तैयारी कर रहे हैं। तो देखो, जो पहला है कि इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। ठीक है, कुछ नहीं, आपको परसेंटेज रिक्वायरमेंट नहीं है। पहला खुशखबरी तो ये है, बहुत सारे बच्चों का डाउट ये है कि भैया परसेंटेज रिक्वायरमेंट है क्या? बिल्कुल नहीं, परसेंटेज रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अगर आपने नॉर्मल ग्रेजुएशन किया है तो आप इस फॉर्म को 100% भर सकते हैं। लेकिन एक चीज और आप याद रखिएगा कि जो बच्चे भी इस साल ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं उनका जो रिजल्ट है 118 यानी 1 जनवरी 2018 से पहले उनके हाथ में रिजल्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन का, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। पहला बात आप ये याद रखिएगा। अब ये मत बोलिएगा कि भैया मेरा मार्च अप्रैल में पूरा हुआ ग्रेजुएशन तो मैं इस फॉर्म को फिलअप कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल आप एलिजिबल नहीं हो। 1-1-2018 तक ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट है, डिग्री है, रिजल्ट है, वो आपके हाथ में होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को 100% फिलअप कर सकते हो। अब दूसरा जो बात है वो एज लिमिट क्या है। आपका जो एज है वो 20 साल से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, कब से? 1-1-2018 तक, यानी 1 जनवरी 2018 तक आपका जो एज है वो 20 साल से ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, 1-1-2018 तक आपका जो एज है वो 28 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये दो क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हैं तो आप 100% इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे लगता है अब कोई डाउट आपके माइंड में नहीं रह गया होगा कि आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है या नहीं। ठीक है, तीसरी बात कि फीस कितनी है। जो पर्सन भी SC ST PWD XS से रिलेटेड है उनके जो फीस लगेंगे वो लगेंगे ओनली 100 रुपीज, और जो बंदे भी जनरल या OBC से है उनके जो चार्ज लगेंगे फीस के वो लगेंगे 600। ठीक है, डाउट क्लियर। अगला देखते हैं, जो फॉर्म फिलअप करने का ऑनलाइन डेट है, अप्लाई करने का स्टार्टिंग डेट है, वो है 20 जनवरी 2018। ठीक है, और जो लास्ट डेट है वो कितना है? जो लास्ट डेट है वो है 10th February। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। और जो एग्जाम है नॉर्मल दो फेस में होता है, प्री और मेंस की एग्जाम, ये भी वैसे ही कंडक्ट कराया जाएगा। तो जो प्री का एग्जाम होगा वो मार्च और अप्रैल में हो सकता है। ठीक है, और जो मेंस का एग्जाम का डेट डिक्लेयर कर दिया गया है वो है 12th May। ठीक है, अब देखो प्री के एग्जाम में सभी को पता है 3 सेक्शन है, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है और ये कैरी करेंगे 100 मार्क्स, और आपके पास टाइम जो है वो रहने वाला है 1 घंटा। ठीक है, डाउट क्लियर। अगर आप इसमें क्वालिफाई कर लेंगे तो आप मेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। ठीक है, और मेंस एग्जाम में 4 टॉपिक है, एक तो GA, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड। जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन है, इंग्लिश में 40, मैथ में 50 और रीजनिंग में 50। मार्क्स आपके साइड में दिखाई दे रहे होंगे 50, 40, 50, 60। ठीक है, टोटल क्वेश्चन 190 है, वही IBPS वाला फॉलो कर रहा है, और ये 200 टोटल मार्क्स है। और इसको करने के लिए आपके पास हर सेक्शन के लिए इंडिविजुअल टाइम सेट किया गया है। देखो, GA के लिए 35 मिनट्स, इंग्लिश के लिए 35 मिनट्स, मैथ के लिए 45 मिनट्स और रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के लिए 45 मिनट्स। जो टोटल ओवरऑल टाइम आपको मिलेगा रिटन एग्जाम के लिए मेंस में वो 2 घंटे 40 मिनट। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको डाउट नहीं रह गया हो किसी चीज को लेकर माइंड में। अब मैं आपको दिखाता हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आया था वो। ठीक है, आप एक बार अच्छे से देख लो, ये वाला ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, देखो ये वाला। जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो है आपका 8100 के अप्रॉक्स। ठीक है, अगर मैं जनरल OBC ST SC की बात करूं, ये चार कैटेगरी मिलाकर बात करूं, PWD को छोड़ दूं,
तो जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो है 7200, ठीक है। एक बार मैं आस्ते आस्ते कर रहा हूँ, आप अपने स्टेट में कितने वैकेंसीज है ये भी देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है भैया किस स्टेट से भरे, किस में कितने वैकेंसीज है। तो देख लो, अहमदाबाद, अमरावती, बैंगलोर, भोपाल, बंगाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, आप देख सकते हैं ऊपर जनरल एससी एसटी ओबीसी टोटल दिए गए हैं, तो आप एक बार देखते चलिएगा, ठीक है। मैं आस्ते आस्ते स्क्रॉल कर रहा हूँ, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, केरला, लखनऊ, मुंबई, नॉर्थ ईस्टर्न, पटना, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 378 है जनरल कैटेगरी का, ठीक है। उसके बाद एससी एसटी और ओबीसी, देख लो ये एससी के हैं और ये वाला एसटी के और ये आपका ओबीसी के, और टोटल चार कैटेगरी मिलाकर है 7200, ठीक है। तो इस वीडियो को सारे बच्चों से जरूर शेयर करिएगा, जो बच्चे भी क्लर्क का वेट कर रहे थे एक साल से, एक साल कहने का मतलब है कि 17th में फॉर्म नहीं आया था, ठीक है। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, इसको आप नेगलेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग तैयारी आज से ही स्टार्ट कर देंगे, सो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।